हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे ऑनियन और बीट रूट का पिकल। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है ऑनियन। ये एक ऑनियन है और मैंने इसे इस तरह से स्लाइस में कट कर दिया है। 3 लौंग, 1 तेज़पत्ता और चुटकी भर जीरा है। और बीट रूट को भी मैंने इस तरह से ऐसे स्लाइस कर लिया है। चिली विनेगर, अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे। उसमें इस तरह का एक ग्लास है, उसमें मैंने आधा ग्लास पानी लिया है। अब पानी हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। अब आधे से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे चिली विनेगर लिया है। अगर आपके पास ये चिली विनेगर नहीं है तो आप एप्पल साइडर विनेगर या फिर वाइट विनेगर यूज़ कर सकते हैं, और वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब 3 लौंग, 1 तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो बीट रूट स्लाइस में कट किए थे उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। बीट रूट को अंदर ऐड करने के बाद पानी को हमें बहुत गर्म नहीं करना है। बीट रूट खाने में कितना हेल्दी होता है ये हम सबको पता है, और इसे ऐसे ऑनियन पिकल में डाल के खाने से ये और भी टेस्टी भी लगता है। बस अब हम इसे इतना ही गर्म करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। इसे मैंने साइड में रख दिया है और थोड़ा ठंडा होने के लिए भी रख दिया है, और इसके बाद हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट ऐड करेंगे, और इसके बाद हमने जो ऑनियन की स्लाइसेस की थी वो ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे ऑनियन की स्लाइसेस की हैं। अगर आप चाहे तो ऑनियन को टुकड़ों में भी कट करके खा सकते हैं। जिस तरह की ऑनियन आपको खाना पसंद है आप उस तरह से कट करके पिकल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से स्लाइस की हुई ऑनियन बहुत अच्छी लगती है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये हमारा ऑनियन पिकल रेडी हो गया है। अब इसे हम एक जार लेंगे और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से जार लेनी है और उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। और इस पिकल को हमें फ्रीज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम बाहर भी रख सकते हैं और 15 डे तक हम इसे खा सकते हैं। ये ऑनियन बीट रूट का पिकल दिखने में जितना नाइस लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है, और हमारी खाने की प्लेट में हम अगर इसे रखेंगे तो ये हमारे प्लेट की शोभा भी बढ़ा देगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रीटी लग रहा है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सी यू देन नेक्स्ट वीडियो।